हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेलिब्रेट कुकिंग। मैं हूं अश्मीत। आज मैं सबके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही टेस्टी फुल ऑफ फ्लेवर्स कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। अक्सर कहा जाता है कि कढ़ी को बड़े ही ध्यान से धीमी आंच पर लगातार पकाते रहना चाहिए, लेकिन जब मैं बना रही थी कढ़ी तो अचानक आया तेज़ तूफान और मुझे बीच में ही गैस को काफ़ी टाइम के लिए ऑफ़ करना पड़ा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरी कढ़ी सही पकी या नहीं पकी, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो के एंड में है एक खास टिप जो आपकी ज़रूर काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी। सबसे पहले पकौड़ों का बैटर तैयार कर लें। उसके लिए एक बड़े मिक्सिंग बोल में डालें 2 कटोरी बेसन। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन का गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने 2 कटोरी बेसन के लिए यूज़ किया है 1 कटोरी पानी। एक साथ पानी ना डालें वरना खूब सारे लम्स पड़ जाएंगे और जिन्हें फेंटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एक बेसन का गाढ़ा पेस्ट तैयार है। अब मैं डाल रही हूँ 2 चुटकी हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, मैं इसे क्रश करके डाल रही हूँ, इससे इसकी महक बनी रहेगी और अजवाइन डालने से पेट में गैस भी नहीं बनेगी। फिर डालें 2 हरी मिर्च बारीक चॉप करके या जितना तीखा आपको पसंद हो उस हिसाब से डालें, 3 से 4 मीडियम साइज लहसुन की कली और 1 इंच अदरक के टुकड़े का मैंने यहाँ पर फ्रेश पेस्ट यूज़ किया है, और डालेंगे खूब सारा धनिया और 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने लंबाई में चॉप कर लिया है कुछ इस तरीके से, ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला। पकौड़े बनाने के लिए आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, जैसे आलू, गोभी, कोई भी सब्ज़ी जो आपको पकौड़ों में पसंद हो। आप इन्हें हल्के हाथ से मिक्स करें और ध्यान दें बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह गाढ़ी होनी चाहिए, तभी पकौड़े फ्राई करते समय शेप ले पाएंगे। इस बैटर को रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि बैटर फूल कर सेट हो जाए। अब चलते हैं दूसरे स्टेप में, जिसमें हम तैयार करेंगे दही और बेसन का मिक्सचर जो कढ़ी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है। एक मिक्सिंग जार में डालें 3 कटोरी खट्टी दही, मैंने 1 दिन पुरानी खट्टी दही ली है, और साथ में ही डाल देंगे 1/2 कटोरी बेसन, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी और 2 कटोरी पानी। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए एक स्मूथ मिक्सचर तैयार है, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। इसे मैंने सिर्फ 30 सेकंड के लिए मिक्सर में चलाया है। आप चाहें तो किसी करछी से भी कर सकते हैं, बस कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। अब चलते हैं तीसरे स्टेप में। एक बड़े बर्तन में 4 से 5 चम्मच सरसों के तेल को पहले अच्छे से धुआं उठने तक गर्म कर लेंगे। सरसों के तेल में बनी कढ़ी का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। ये देखिए धुआं उठ चुका है। फिर गैस ऑफ कर दें और इसे ठंडा होने दें। हल्का ठंडा हो चुका है, अब गैस ऑन कर लें और फिर डालें 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना, और जैसे ही हल्का ब्राउन हो जाए फिर डालें 1 छोटा चम्मच ज़ीरा। यहाँ गैस की फ्लेम लो है ताकि मेथी दाना जले नहीं। जैसे ही ज़ीरा क्रैकल होने लगे 1 प्याज बारीक चॉप किया हुआ डालें और इसे 1 मिनट के लिए पका लें। अब मैंने अपनी गैस फ्लेम को मीडियम टू हाई में रखा है। साथ में ही डाल देंगे 7 से 8 लहसुन की कलियां बारीक चॉप करके और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक चॉप करके। बस इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। यहाँ मेरी गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई है। अब आप देख सकते हैं ये प्याज, अदरक, लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ 1 इंच कच्ची हल्दी, इससे बहुत ही अच्छा रंग आएगा। अगर आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं। अब साथ में ही डाल देंगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, मैंने यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच इसलिए डाली है क्योंकि मैंने थोड़ी कच्ची हल्दी भी डाली है, आप चाहें तो 1 छोटा चम्मच हल्दी का डाल सकते हैं, और मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर। अपनी गैस फ्लेम को आप सिम कर लें और इन सभी मसालों को आप अच्छे से मिक्स करते हुए सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए पका लें, और फिर साथ में ही हम डाल देंगे दही और बेसन का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था। अपनी गैस फ्लेम को आप सिम ही रखें और इसे एक बार चला लें, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2.5 ग्लास पानी।
जब दही बेसन का मिक्सचर डालें तो लगातार इसे चलाते रहें, वरना दही फट सकती है। लेकिन जैसे ही मैंने पानी डाला, अचानक आ गया तेज़ तूफान और मुझे गैस ऑफ करना पड़ा। मैंने गैस ऑफ इसलिए किया क्योंकि मेरी किचन में गैस स्टोव बिल्कुल खिड़की के पास है। इतना तेज़ तूफान था, इतनी तेज़ हवाएं थी कि मजबूरन मुझे कड़ी को बीच में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रोकना पड़ा। जैसे ही थोड़ा मौसम नॉर्मल हुआ, मैंने कड़ी बनाना शुरू किया। मुझे लगा कड़ी तो ख़राब, सारी दही फट गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दही बिल्कुल हल्की सी ना बराबर फटी थी और एक उबाल आने पर मैंने इसमें डाला 1.5 छोटा चम्मच नमक और कड़ी को रख दिया आधे घंटे के लिए सेम गैस पर पकने के लिए। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। तो कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए या किसी वजह से आपकी कड़ी हल्की सी फट जाए तो आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। आप इसे बस धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दें और लगातार 5 से 6 मिनट के इंटरवल पर कड़छी चलाते रहें, तो आप देखेंगे आपकी कड़ी का जो टेक्सचर होगा वो स्मूथ हो जाएगा और एक बढ़िया कड़ी तैयार होगी। तो जब तक कड़ी तैयार हो रही है, तब तक पकौड़े तैयार कर लेते हैं। पकौड़ों का बैटर अच्छे से सेट है। पकौड़े फ्राई करने से पहले 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल लें। इसे डालने से पकौड़े सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। पकौड़े फ्राई करने के लिए तेल गर्म हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। हल्का सा मिक्सचर डालें, ये बढ़िया से फूल कर ऊपर आ गया, मतलब तेल परफेक्ट गर्म है। मेरी यहाँ गैस फ्लेम मीडियम है। अब एक चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालें इस तरह। आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान से कीजिएगा, चम्मच से डालना थोड़ा सेफ ऑप्शन है। गैस को मीडियम रखें, तेज़ रखेंगे तो बाहर से ओवरकुक हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लो फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और पकोड़े तेल पी जाएंगे, ऑयली बनेंगे। जैसे जैसे पकोड़े एक साइड से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने लगे, आप इन्हें पलट लें और आप देखेंगे इन पकोड़ों का साइज़ भी बढ़ गया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटे या बड़े पकोड़े बना सकते हैं। ध्यान दें, गैस फ्लेम मीडियम है और पकोड़े बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर ले चुके हैं, क्रिस्पी भी लग रहे हैं, तो इन्हें निकाल लेते हैं। पकोड़े निकालते समय इन्हें करछी की मदद से कढ़ाई के कॉर्नर में ले जाकर इस तरह एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लें और ज़ोर से ना दबाएं, कहीं कढ़ाई पलट जाए। तो तलने का काम हमेशा ध्यान से करें। तो सभी पकोड़े तैयार हैं, आप देख सकते हैं। सिर्फ 2 कटोरी बेसन में मैंने सही साइज़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पकौड़े तैयार कर लिए हैं, और जिसमें मैंने 3-4 पकौड़े खा भी लिए हैं। तो एक बार अंदर से भी चेक कर लेते हैं पकौड़े। अरे वाह, देखिए कितने बढ़िया पकौड़े बने हैं, अंदर से प्रॉपर जाली भी आई है, बहुत ही सॉफ्ट हैं ये, अच्छे से कड़ी को सोखेंगे। 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, चलिए अब अपनी कड़ी भी चेक कर लेते हैं। अरे वाह, कड़ी तैयार है। ये कैसे पता चला मुझे? आप देख सकते हैं कि एक रेड लेयर आ चुकी है कॉर्नर्स पर और कड़ी क्वांटिटी में भी थोड़ी रिड्यूस हो गई है, यानी कम हो चुकी है। और सबसे बड़ा पॉइंट आप नोटिस करें, कड़ी का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ है, कुछ ख़राब नहीं हुआ। तो जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप बिल्कुल मत घबराएं, आपकी कड़ी जैसे जैसे पकेगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कड़ी ना ही ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली है, एकदम परफेक्ट है। तो अब ये टाइम आता है, हम डाल लेते हैं अपने सभी पकौड़े। पकौड़े डालने के बाद बस 5 मिनट के लिए सिम गैस पर कड़ी को पकने देंगे और साथ में ऐड करेंगे कड़ी में खूब सारे फ्लेवर्स, जैसे थोड़ी सी कसूरी मेथी लगभग 1 चम्मच, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और ऐड करेंगे एक बढ़िया तड़का। तड़का लगाने के लिए एक छोटे पैन में 2 चम्मच घी गरम कर लें और गैस की फ्लेम को लो सिम रखें। जैसे ही घी गरम हो जाए, डालें 2 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने या राई के दाने, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च और थोड़े कड़ी पत्ता, और एंड में डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। बस गैस फ्लेम को ऑफ कर दें और ये गर्मा गर्म तड़का सीधा डालें कड़ी के ऊपर। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, हमारी कड़ी पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। अगर आपको कड़ी कम खट्टी लगे तो कड़ी तैयार होने के बाद आप थोड़ा सा इमली का पानी या नींबू का रस डाल सकते हैं।
इस क्वांटिटी में कड़ी 5 से 6 लोगों के लिए सफिशिएंट है और आप इसे इंजॉय कीजिए चावल, रोटी या परांठों के साथ। अब बारी आती है सीक्रेट किचन टिप की। अगर आपके चीनी के डिब्बे में बार बार चींटियाँ आ जाती हैं, स्पेशली ये प्रॉब्लम बारिश के मौसम में ज़रूर आती है, तो आप चीनी के डिब्बे में 4 से 5 लौंग डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चींटियाँ लौंग की खुशबू से बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आप लौंग डालने के बजाय एक तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं, तेज़पत्ता की स्मेल से भी चींटियाँ भाग जाती हैं। या नींबू का छिलका रख दें, इससे चींटी नहीं आएगी, और नींबू का छिलका ख़राब होने लगे तो फेंक कर दूसरा छिलका रख दें। अगर फिर भी चींटी आए तो डिब्बे को इस तरह पानी के कटोरे में रख दें, चींटी बिल्कुल नहीं आएगी। आप कोई भी मीठी चीज़ के डिब्बे जैसे शहद के डिब्बे को भी पानी के कटोरे में रख देंगे तो चींटी नहीं आएगी। आई होप ये टिप आपको ज़रूर काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।